जिसमें हम जानने वाले हैं कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज कब आने की उम्मीद बन रही है और किस तरह से ये मिशन मोड का इस पर क्या हमें असर देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपको अभी से तैयारी में जुड़ जाना चाहिए और अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए ताकि हम मौके पर ही सभी चीजों को कर सकें और किसी भी तरह का विलंब ना हो सके। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखिए, एक नोटिस अभी कल से ही है वायरल होने लगा, ये सच भी है, ये नोटिस आया भी है। इस नोटिस का है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। इसमें इन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड के जो मैनेजर्स हैं, जो जोनल अवेयर कर दिया है कि जनवरी से आपके फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और बहुत फास्ट उसको ये लोग करवाने वाले हैं। 4000 के करीब डेली के उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जल्दी जल्दी ये सारे फिजिकल टेस्ट और सारी चीजों को काफी अच्छे और काफी स्पीड से करवाने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयार नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार अब तो बहुत, यार अभी तो बहुत समय, अभी तो पता नहीं कब आएगा, ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, तो ये आप उसमें मत रहिए। ये पूरी तरह से आपको अवेयरनेस करने के लिए है कि मिशन मोड प्रोसेस में है गवर्नमेंट, आगे चलकर इलेक्शन का समय भी है, गवर्नमेंट ने जो आपसे वादे किए हैं पिछले बार सरकार को जिताने के लिए उसको भी तो पूरा करना है। तो इससे काफी संभावना क्लियर हो रही है कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई और इन सब की वैकेंसीज आने वाली हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, वो तो वहां प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि एएलपी की वैकेंसी आएंगी, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएंगी, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आएंगी, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आपको ये बात यहां पर क्लियर करता हूं कि हम लोग कैसे कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। ध्यान से समझना, एक्चुअली क्या हुआ है, एनटीपीसी के माध्यम से जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे और आरआरसी ग्रुप डी के माध्यम से जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, और उसमें क्या होगा कि जो भी बंदे प्रमोशन लेंगे वो तो उनकी जगह को फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई टिकट चेकर वहां पर, उसकी भर्ती तो हो गई है, प्रमोशन तो उसका भी होगा ना भाई, सीट तो वहां पर खाली होगी ना, उसकी तो भर्ती इन्होंने पहले ही कर ली है। यहां पर देखिए 1,48,000 लोगों का ये प्रमोशन कर देंगे मार्च 2023 तक। अब बात आती है उन लोगों की जिसकी वैकेंसी अभी तक इन्होंने फिल नहीं की है, जैसे कि आरआरबी एएलपी, जो एएलपी में सिलेक्ट हुआ बंदा है उसका भी तो प्रमोशन होगा। इसी के साथ साथ जो मान लीजिए आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, उसका भी तो प्रमोशन होगा, ठीक है। तो वहां वाली वैकेंसी को भी तो फिल करना होगा, जो वो वहां से वैक्यूम क्रिएट होगा, जो स्पेस बनेगा उसको कैसे फिल करेंगे, उसका तो इन्होंने कोई प्रोसेस किया ही नहीं। तो यही कारण से हम लोग आपको बार बार समझा रहे हैं कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि देखिए जो एनटीपीसी के पद के द्वारा सिलेक्ट हुए होंगे उनका अगर प्रमोशन करेंगे तो उनका तो पेपर इन्होंने करवा लिया है, तो उनकी ज्वाइनिंग करवाकर उसको फिल कर देंगे। आरआरसी ग्रुप डी के तहत जो बच्चे आएंगे उनको भी इन्होंने वो करवा रखा है पेपर, तो उनको भी फिल कर देंगे। बात उनकी हुई जिनका मान लो कि असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, मान लीजिए कोई आरपीएफ एसआई में है, उनके जो ये प्रमोशन करेंगे उनको कैसे फिल करेंगे, जो वैकेंसी ये वाली क्रिएट होने वाली है। इसका मतलब ये साफ इशारा करता है कि इसकी वैकेंसी को ये जल्दी ही घोषित करेगा। आरआरबी अगर मिशन मोड में आया है तो ये जल्द ही इसको पूरा करेगा। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट कहती है, जो कहना चाहती है कि हम बहुत सारी वैकेंसीज को लेकर आने वाले हैं, जिसमें से 20,000 प्लस वैकेंसी अभी अभी एसएससी सीजीएल की इन्होंने घोषणा की है। अकेले एसएससी सीजीएल की 20,000 वैकेंसी से ये लोग 10,000 जो ये वादा करते हैं लाखों वैकेंसियां देने का, लाखों बेरोजगारों युवाओं को रोजगार देने का, उसको ये पूरा नहीं कर सकते सीजीएल के तहत अकेले, क्योंकि इनको वादा करते हैं लाखों वैकेंसियां देने का, लाखों बेरोजगारों युवाओं को रोजगार देने का, उसको ये पूरा नहीं कर सकते सीजीएल के तहत अकेले, क्योंकि इनको पता है कि हिंदी माध्यम का भी बहुत सारा छात्र है जो सीजीएल में नहीं आता है, और रेलवे एक सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें ये हमेशा से वैकेंसी देकर नंबर को बढ़ाता है, और इलेक्शंस के समय पर तो रेलवे में वैकेंसी आने के पूरे चांस बनते ही हैं। कह रहा सर टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी तो बिल्कुल साथ साथ ही आनी है।
अब हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं, वैकेंसी आती है तो उसमें हमें क्या क्या, कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता होगा। अगर हम पिछले नोटिस के माध्यम से देखें और उसको डीपली एनालिसिस करें तो यहां पर इन्होंने कहा है कि जो बंदा 10th और ITI किया होगा, ठीक है, वो बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। 10th और ITI का मतलब यहां पर क्या है, जैसे कि यहां पर इन्होंने कहा इलेक्ट्रीशियन में ITI किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, फिटर में किया हो, डीजल मैकेनिक में किया हो, ऑटोमोबाइल में किया हो, ऐसे किसी भी जगह पर अगर उसने ITI किया हुआ और 10वीं क्लास की हुई तो वो वहां से इसको क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर 10th प्लस में डिप्लोमा उसने किया है, 10th भी की है और डिप्लोमा भी किया है, चाहे वो उसने इन किसी भी ब्रांच में से किया है, तो वो यहां पर भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से बीई और बीटेक जिन्होंने इस ब्रांच से की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 वाले हमारी जो टेक्नीशियन की पोस्ट है और जिन्होंने 10+2 में PCM लिया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इकलौता एक ऐसा एग्जाम रहेगा जिसमें आपके हर सेक्टर का बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उसने 10th प्लस ITI किया हो, चाहे 10th प्लस डिप्लोमा किया हो, चाहे BE और BTEC किया हो, चाहे उसने सिर्फ +2 कर रखा हो। देख रहे हो, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम होने वाला है जिसमें आपका मतलब कंपटीशन मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि एक बीटेक वाला बंदा भी बैठेगा, एक डिप्लोमा वाला बंदा भी बैठेगा, एक टेक्नीशियन भी बैठेगा, एक ITI भी बैठेगा, मतलब हर तरह का बंदा बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। और आप 10+2 वाला बंदा भी बैठेगा इसी में। अगर हम और चीजों को समझते हैं, अगर मैं देखूं तो उसमें उम्र क्या है, उम्र भी 18 से 30 साल है। 18 से 30 साल की उम्र एक ऐसी है जिसमें हर वर्ग का क्षेत्र कवर हो, छात्र कवर हो जाता है, चाहे वो थोड़ी सी छोटी उम्र का है वो भी, एक एक्सपीरियंस भी, भाई 30 साल एज होती है मैक्सिमम, उसके बाद बंदा तैयारी करना थोड़ी कम कर देता है। 30 साल तक वो जोश और वो जज्बा कायम रहता है, उसके बाद तो धीरे धीरे तैयारी करना आदमी कम कर देता है। तो इसलिए 18 से 30 के माध्यम के बीच, इसके बीच जो भी बंदा बैठता है उसमें एक अलग जोश और एनर्जी रहती है। तो आप ये भी हिसाब लगा लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। तो मैं आपको बारी बार एक ही बात समझा रहा हूं कि आपके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए है। अगर हम थोड़े से इसके पैटर्न को समझें तो CBT 1 और CBT 2 दो पेपर इसमें होते हैं। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, अभी आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। CBT 1 और CBT 2, CBT 2 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। इसमें कह रहा है जो CBAT होता है वो तो ALP के विद्यार्थियों के लिए होता है। CBT 1 ओनली क्वालिफाइंग है जिसमें 75 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मैथ, 25 रीजनिंग, 20 साइंस और 10 GK GS। और इसी के साथ साथ ये ओनली क्वालिफाइंग है, 75 क्वेश्चन पूछेगा, 1 घंटे का समय देगा, 1/3 की नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसी तरह से इसमें CBT 2 है, इसके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में 90 मिनट का समय देगा और 100 क्वेश्चन पूछेगा, 25 25 40 10, है ना। इसमें जो ये 25 नंबर का मैथ, 25 की रीजनिंग, 40 की इंजीनियरिंग ड्रॉइंग या फिर बेसिक साइंस मिलाकर, और 10 नंबर का करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जो पूरा मतलब जो कट ऑफ तय होगा, जो पूरा आपका भविष्य तय करेगा वो ये है। पार्ट वन तो क्वालिफाइंग है पर उसकी तैयारी को छोड़ नहीं सकते आप कि आपने तैयारी नहीं की। पार्ट वन बस क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करेंगे फिर जाकर इसमें आप बैठ जाएंगे। फिर ये आपका पार्ट बी, आप इसको चूज करेंगे ट्रेड के अकॉर्डिंग, ये भी सबका होगा। इसमें क्या है, ITI ट्रेड का 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय होगा, मिनिमम 35% आपको यहां पर लेने हैं। ये भी ओनली क्वालिफाइंग है इन नेचर में। ये आपकी कुछ ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर आपको चूज करना है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसमें से कौन सा पेपर चूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये कह रहा है। फिर आपका अगर आपने ALP भरा है तो साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट अगर आपने ALP टेक्नीशियन का नहीं, टेक्नीशियन का वहीं तक है, ALP लिखा भी है, ये उन्होंने लिखा है, द ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम, है ना, अमंगस द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द, और लास्ट में जाकर आपका जो साइको का 30% और पेपर टू का भी क्या है, और सेकंड स्टेज ऑफ CBT पार्ट ए का सेकंड स्टेज ऑफ CBT उसका 70% और इसका 30%,
फिर जाकर आपकी क्वालिटी यहां पर ये क्या कर देगा, गेम घुमा देगा, मतलब फिर आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। प्रमोशन भी बहुत अच्छा है इसमें, एएलपी सीनियर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट और उसके बाद आपका लोको पायलट, बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको मजा आ जाएगा इस जॉब में, आप लगा लीजिए। लड़के हो लड़कियां हो किसी भी तरह के हमारे कैंडिडेट्स हो, हमारे किसी भी तरह के कैंडिडेट्स हो, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं।